लोगों के लिए, खासकर उन दोस्तों के लिए जिन लोगों की अभी शादी नहीं हो रही है। तो देख लो, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही होती है वो बेचारे लड़कों को लेके मूवी दिखाने लेके जाते हैं। मैं भी पहले पहले ऐसे ही करता था, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाता था। आए हमारे साथ जा रहे हैं हमारे बख्शी साहब मूवी देखने के लिए। तो ये हमारे कैमरे में देखो बख्शी साहब, हाय। तो अभी थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं आज हम कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं और कैसा आज हम फील करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे ब्लॉग में बने रहो, सभी लोग आप इंजॉय करोगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि बख्शी साहब ना ये फिल्म देखने के लिए बड़े उत्साहित हैं। वो कह रहे थे कि वो इस मूवी का गाना इनको बड़ा पसंद आया, पता कौन सा? उच्चियाँ लंबियाँ गाड़ियाँ रखियाँ है पर तू मैनू वाली जच्चे दी। वाह वाह, बस अभी देखो अब थोड़ी देर में भी हम पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ जाके बाकी का भी आपको आगे का दिखाते हैं। पहुँच चुके हैं अभी हम पाम आइलैंड। ये हमने अभी अभी अपनी गाड़ी की पार्किंग दी, अपनी स्कूटी की 20 रुपये पार्किंग है। जो भी पाम आइलैंड आना चाहता है मूवी देखने के लिए उनको बता दें 20 रुपये चार्जेस हैं। तो भैया कौन सी फिल्म देखने आए हो आज आप? किया पता नहीं, बताओ ना क्या नाम है फिल्म का? जरा हटके जरा बच के, जरा हटके और जरा हमसे बच के, जरा हमसे बच के। तो अब देख लो अभी हम फिल्म में पहुँच रहे हैं, बस ऊपर जाके अपना बार कोड स्कैन करेंगे, टिकट लेंगे और उसके बाद हम आज मूवी देखने वाले हैं हमारे बख्शी साहब के साथ, जो कि अभी अकेले हैं, मेरे को लेके आए हैं। तो जो भी लड़कियां हमारा ब्लॉग देख रही हैं वो कमेंट करो, कमेंट में हमें बताओ कि बख्शी साहब को एक अच्छी लड़की चाहिए ताकि अगली बार मूवी देखने उनके साथ आ पाए। फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कभी मूवी देखने माता थिएटर में एसी की बिल्कुल सर्विस बंद, 0 है यहाँ पे। और रूम में इतनी स्मेल है ना, मैं कहता हूँ कोई थिएटर में ना आए। हम अभी पाम आइलैंड में आए थे, हमने इंटरवेल हो चुका है, आधी मूवी देख ली है। समझो कि पाम आइलैंड हाय। तो ये काफ़ी दिनों से शायद थिएटर बंद था, बहुत ही ज़्यादा स्मेल है अंदर। इन्होंने एयर फ्रेशनर भी नहीं लगाया रूम फ्रेशनर, और दूसरी चीज़ इनकी सबसे बड़ी खराब क्या है कि अंदर एसी भी नहीं वर्किंग में है। तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है मूवी देखने का, मतलब पूरे टाइम अंदर पसीना ही आ रहा है। इससे अच्छा तो बंदा घर में बैठ के छत पे अपने आराम से मूवी देखता, वो ज़्यादा ठीक था। क्यों बख्शी साहब है ना, बालकनी बैठ जाओ वो ज़्यादा अच्छा है। इधर बाहर फिर भी हवा अच्छी आ रही है, और कह सकता हूँ कि जो पीछे वॉशरूम्स हैं हमारे इनमें हवा थोड़ी अच्छी है, इनके एग्जॉस्ट अच्छे चल रहे हैं और टेबल फैन अच्छे चल रहे हैं इनके, पर यहाँ बाहर मतलब अंदर तो बड़ा बुरा हाल है। तो बख्शी साहब अगली बार हम इधर आ रहे हैं फिल्म देखने? कभी नहीं, इधर कभी नहीं आएंगे। ऐसे या तो हम वेव जाएंगे या तो हम केसी में जाएंगे मूवी देखने, पर यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बख्शी साहब कैसा फील हो रहा है, सुनाओ। अब तो अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आज हमने हमारे साथ क्या हुआ, बहुत अच्छी मूवी देखी, वही फ्री में देखी हमने मूवी। हाँ, क्योंकि पहली वाली जो मूवी थी वो हो गई थी और उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से इन्होंने क्या किया, आदि पुरुष को यहाँ पे लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया? हमारे वाले में ही। और जो भैया थे, जो यहाँ के मैनेजर, उन्होंने हमें बोला बैठो और बैठ के आराम से मूवी देखो। तो अभी हमने दूसरी मूवी भी देख ली है, तो अब बख्शी साहब को मज़ा आ रहा है क्योंकि अब एसी भी चल रहा है और मूवी भी अच्छी चल रही है, पेमेंट रिफंड हो गई हमारी। और सबसे बड़ी बात है कि पेमेंट भी रिफंड होगी। आ जाओ अभी हम आदि पुरुष के पोस्टर के साथ आपको दिखाते हैं हम कौन सी फिल्म देख रहे हैं। वैसे मैंने तो एक बार देख ली है फिल्म, लेकिन अब मैं दूसरी बार देख रहा हूँ जिसमें डायलॉग्स भी चेंज है, दोबारा से डायलॉग चेंज हो गया हमारे। तो जो अभी हमने एक फिल्म देखी उसके तो पोस्टर भी नहीं लगे हैं यहाँ पे, जो हमने पहली वाली फिल्म देखी है उसको भी पोस्टर भी नहीं था। हाँ, ये दिख रहा तो कुछ अभी, लेकिन हट गया, यहाँ पे आएगा अभी। ये हमने अभी एक फिल्म यहाँ पे देख ली है और दूसरी चल रही है। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, हमें तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। दो टाइम अच्छा पास हो गया। हाँ, जिम नहीं गए, जिम मिस होगी आज के लिए। फिल्में हमने दो देख ली हैं आज। ये आदि पुरुष, ये देखो, ये अभी आदि पुरुष आ रही है और इसके बाद आ जाएगी जो हमने दूसरी फिल्म देखी। कौन सी? करो चेंज, करो स्लाइड। नहीं, अभी आदि पुरुष ही चल रही है, अभी आदि पुरुष चल रही है, अभी स्लाइड चेंज होने वाली है, इसके बाद दिखाएंगे ये दूसरी। अभी भी आदि पुरुष, आदि पुरुष ये कह रहे हैं, आदि पुरुष ही देखते रहो और कोई नहीं देखनी है। सो अभी आने वाली है, मेरे को लग रहा है अभी भी आदि पुरुष। आदि पुरुष मतलब ज़्यादा डिमांड में, क्या बोलते हो? मूवी अच्छी है, फैमिली मूवी अच्छी। हाँ, अभी आ ही नहीं रही है, ये कुछ और के ट्रेलर आ रहे हैं। चलो हम आपको अपनी नए वाले डायलॉग्स जो एडिट हुए हैं मूवी में वो दिखाएंगे हम आपको अपने ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड विद अस। जो कि है
आज हमने एक की जगह दो मूवियां देख ली। बख्शी साहब बड़े खुश हैं क्योंकि इन्होंने आदि पुरुष भी देख ली और इन्होंने कौन सी देख ली, जी आया नू है, दूसरी वाली भी देख ली, गड्डियां उछिया रखी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब हम जा रहे हैं, अब देखते हैं बख्शी साहब क्या खिलाते हैं, कुछ खा ले आएंगे, कुछ खिलाएंगे तो अभी हम खा पी के भी निकलते हैं घर की तरफ। ठीक है ना, कुछ खा के जाएंगे ना घर। हम मूवी के बाद अभी आए हैं बख्शी साहब और मैं कुछ खाने के लिए, तो हमें यहाँ बी एन हॉस्पिटल के थोड़े से पहले मिले हैं आटे के मोमोज वाली एक रेडी, ये भी याने लगाए हुए हैं, इस पर लिखा है स्पेशल वीट मोमोज। अब देखते हैं वीट मोमोज खा के कैसा टेस्ट है, कैसा टेस्ट नहीं है। क्यों बख्शी साहब टेस्ट करेंगे ना वीट मोमोज। बख्शी साहब पानी पीते हुए, इन्होंने आज पूरा दिन पानी नहीं पिया, सिर्फ दो मूवियाँ देख ली हैं, पानी दे पानी के लिए तरस गए थे। थिएटर में इन्होंने बोला पानी पिलाओ मुझे मुफ्त वाला, उन्होंने पिलाया ही नहीं इनको मुफ्त वाला पानी, बड़ा गलत हुआ इनके साथ। तो ये पीने लगा दिए हमारे वीट मोमोज, अच्छे लग रहे हैं देखने में, नॉर्मल मोमोज की तरह ही है। अब खा के पता चलेगा क्या क्या नहीं। नहीं मैंने नहीं पीना। और जैसे अभी हुआ क्या है कि आटे वाले मोमो ख़त्म हो गए, कि हमें नॉर्मल मोमो के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा, ये आटे वाले नहीं है, इसलिए खा के बताते हैं कैसा टेस्ट है इसका मोमो का। ये मेन्यू जानना। हाँ बहुत बढ़िया थे, जब भी यहाँ पर आए बख्शी ना मोमो ज़रूर खाएँ। यहाँ से सूप मिला हमें, बहुत ही शानदार सूप लग रहा है, बख्शी साहब पी रहे हैं, कैसा टेस्ट है बख्शी साहब? मजेदार से क्या कहना चाहते हो? थोड़ी टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। तो थोड़ी चटनी डाल लो रेड वाली इसमें, देखने में तो अच्छा लग रहा है, पी के आप बताते हैं आपको कैसा इसका टेस्ट। तब तक हमारे मोमो होने वाले हैं आटे वाले, खा के देखेंगे कैसा टेस्ट है। बिरयानी निकाल ली है, आटा मोमो फ्राई होते हुए, ये हमने फ्राई मंगाए हैं, हमने पहली बार एक्सपीरियंस करना था आटे वाले मोमोज को, तो हमें ये था कि क्या पता कैसा टेस्ट है, कहीं वो अजीब सा नहीं लगे आते आटा, क्योंकि इसलिए हमने इसको फ्राई करवा दिया। अब देखते हैं खा के कैसा टेस्ट है। समझ रहे हो आप, ये मोमो आ गया, इसके साथ चटनी, चटनी काफी अच्छी है। और ये मेरा मुंह, यार आराम से खाओ, मैं बात बहुत क्रिस्पी है, बहुत क्रिस्पी है, गर्म भी है, जरूर आए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। जैसे बख्शी साहब ने बोला कि पापड़ी जैसा टेस्ट है, तो पापड़ी की तरह बिल्कुल करारे हो गए हैं फ्राई करने के बाद। आप ज़रूर विजिट करें इस जगह पे, अच्छी है शॉप, बी एन हॉस्पिटल के पेट्रोल पंप से थोड़ी सी आगे आना है आपने। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हम आ गए थे अमूल की दुकान पे आइसक्रीम खाने के लिए, बख्शी साहब ने एक कोन खा लिया और हम अपने लिए भी लेके जाएंगे कुछ अच्छी वाली आइसक्रीम। अरे बख्शी साहब अच्छी वाली लेके जाएंगे ना आइसक्रीम, कोई लेंगे? हाँ वही सोच रहा हूँ, कोई ब्रिक ले लेंगे। और कैसी लग रही है फिर आइसक्रीम? नहीं आपने क्या अच्छी है, मैंने खिलाई तो अच्छी है, बिल तो आप दे रहे हो ना, आपने बोला अपने हाथ से खा रहा हूं। खा अपने हाथ से रहे हो, बिल तो आप दोगे ना, यही जो खा रहे हो इसका बिल लेगा नहीं, इनके पास बर्तन ही नहीं होते, वरना आप बर्तन कैसे, बर्तन दोगे थोड़ी जाओगे। ठीक है, स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, बहुत जल्दी हम मिलेंगे। ठीक है, ओके बाय। और बख्शी साहब के लिए वो लास्ट में जाते जाते कि भाई कोई लड़की लड़की अगर देख रही है तो इनको भाई मेरे यूट्यूब में कमेंट मार देना, इनके लिए सजेशन में हमें लड़कियां चाहिए ताकि हम इनकी जल्दी से जल्दी इस साल शादी करवा पाए। ठीक है, जय श्री राम। चले एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के बाद।